नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसईसी न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महंगाई की मार के बीच आम लोगों को मिली बड़ी राहत। पेट्रोल 9.5 रुपए, डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ते, एलपीजी सिलेंडर भी 200 रुपए सस्ता। रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी पेट्रोल डीजल की नई दरें। केंद्रीय वित्त मंत्री ने की एक्साइज ड्यूटी घटाने की घोषणा। पूजा सिंघल मामले में सरयू राय ने सुझाए जांच के और बिंदु। ईडी को लिखे पत्र में भेजी पूर्व में जारी 32 शेयर कंपनियों की सूची। रवि केजरीवाल से जुड़ी इन कंपनियों की भी जांच का किया आग्रह। रवि केजरीवाल को बताया ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का महारथी। और आदित्यपुर के बापू गोप हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ में कबूल की संलिप्तता। हत्या में कई और लोगों के शामिल होने का भी किया खुलासा। पुलिस बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने का कर रही प्रयास। आइए बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की दरों में कमी की घोषणा किए जाने की। केंद्र सरकार ने शनिवार को रात 12 बजे से पेट्रोल डीजल की दरों में भारी कमी किए जाने की घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की घोषणा की, जिससे इनकी कीमतों में क्रमशः 9.5 रुपए व 7 रुपए प्रति लीटर की कमी आएगी। महंगाई से परेशान देशवासियों के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बड़ी खुशखबरी देते हुए पेट्रोल डीजल में एक्साइज ड्यूटी में छूट दिए जाने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कमी किए जाने की घोषणा की। इससे पेट्रोल की दरों में 9.50 रुपए व डीजल में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी आएगी। पेट्रोल और डीजल की नई दरें शनिवार रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। सरकार ने पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम कर दी है। इससे पेट्रोल की दर अब 9.50 रुपए व डीजल की दर 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगी। पहले बात करते हैं सरयू राय द्वारा पूजा सिंघल मामले की जाँच को लेकर ईडी को पत्र लिखे जाने की। जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय ने प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक को पत्र लिखकर आईएएस पूजा सिंघल मामले की जांच में कुछ और बिंदु भी जोड़ने का आग्रह किया है। सरयू राय ने इस संबंध में शेल कंपनियों की जांच में खुद के भेजी अनेक कंपनियों को भी जांच के दायरे में लाने का सुझाव दिया है। विधायक सरयू राय ने लंबित आईएएस पूजा सिंघल एवं उनके करीबी लोगों की अकूत संपत्ति की जाँच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक को लिखे पत्र में याद दिलाया है कि उन्होंने वर्ष 2013 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रमुख सहयोगी रवि केजरीवाल, उनके संबंधियों व नजदीकी लोगों से जुड़ी 32 शेल कंपनियों की सूची जारी करते हुए उनकी जांच कराने का आग्रह किया था। उन्होंने बताया कि रवि केजरीवाल इनमें से 4 कंपनियों में, अमित कुमार अग्रवाल 6 में और राधा कृष्ण अग्रवाल 8 में निदेशक थे। शेष में से 3 कंपनियों में हेमंत अग्रवाल, 2 में दशरथ अग्रवाल निदेशक थे और ये सभी आपस में संबंधित थे। उन्होंने कहा कि यदि वर्तमान में हाईकोर्ट में पेश सेल कंपनियों की सूची में उनकी सूची में शामिल कंपनियों के नाम भी हैं तो उन सभी के आपसी संबंधों की जांच भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 एवं अब तक इन कंपनियों में हुए निवेश व लेन देन की जाँच करने पर बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि ये कंपनियां ब्लैक मनी को वाइट करने का नायाब औजार थी, जिनका ठिकाना कोलकाता के एमजी रोड व गणेश चंद्र एवेन्यू थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा होता था और रवि केजरीवाल को इसमें महारत हासिल थी। इसके संदर्भ में श्री राय ने अपने द्वारा पूर्व में जारी शेल कंपनियों की सूची का संज्ञान लेते हुए जाँच के अधीन कंपनियों के साथ उसका मिलान करने का आग्रह किया है। देखिए, मैंने एक और चीज ईडी को कहा है कि 2016 में 8 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी कर दिया था, तो उसके पहले के जो पैसे होंगे वो तो नोटबंदी में या तो फेंक दिए गए होंगे या उनको काला धन को सफ़ेद धन कर लिया गया होगा। अब पूजा सिंघल के पास जो पैसे हैं पकड़े जा रहे हैं, ये उस समय के तो नहीं पैसे हैं जो सफ़ेद हो गए, और हेमंत सोरेन की सरकार में ये 6-7 महीने से खान विभाग में सचिव थी। डीएमओ से, बालू वालों से इन्होंने जो भी वसूला होगा तो इतनी राशि नहीं हो सकती है। इसलिए पैसा निश्चित रूप से नोटबंदी के बाद जो झारखंड की सरकार थी, जिसने इनको बचाया, उसी के सरकार की कमाई इनकी हो सकती है। इसका अधिक हिस्सा ये मैंने ईडी को कहा है, इसकी जाँच होनी चाहिए साहब।
मैंने विधानसभा समिति के दौरे में कई बार ठोस सबूत दिया है कि बालू में किस तरह से घोटाले हो रहे हैं। जरा उन सबको पकड़ना चाहिए, विधानसभा से ईडी कागजात मंगवा ले, कहे तो मैं उसी कॉपियां दे दूं, मगर जांच मुकम्मल होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि जांच में कहीं से कोई चूक हो गई है, इसलिए मैंने ईडी को पत्र के माध्यम से इन सारी चीज़ों को बता दिया है। आइए बात करते हैं आदित्यपुर पुलिस द्वारा बाबू गोप हत्याकांड का खुलासा किए जाने की। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में विगत 2 मई को हुई कार्तिक गोप उर्फ बाबू की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस मामले में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत 7 बोहनी में विगत 2 मई को तड़के कुछ अपराधियों ने कार्तिक गोप उर्फ बाबू पर हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। बाद में उसे इलाज के लिए TMH पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। आदित्यपुर पुलिस द्वारा इस मामले की जांच के क्रम में कार्तिक की हत्या में राजवीर सिंह उर्फ लालू व मुकेश दास उर्फ गोलू का हाथ होने की जानकारी मिली। सरायकेला के SDPO हरविंदर सिंह ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने पूछताछ के दौरान हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार भी कर ली है। हालांकि उन्होंने इसमें कुछ और लोगों के शामिल होने की बात भी बताई, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दिन की रात्रि में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा बाबू गोप उर्फ कार्तिक गोप, जो कि कई अपराधों में वांछित है, पर हमला किया गया। उस हमले की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। हमले के बाद उसको इलाज के लिए TMS ले जाया गया था, इलाज के क्रम में लेकिन वो बचा नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। जब हमने उसके अनुसंधान किया कि उसके कांड दर्ज करके उसका अनुसंधान किया गया, अनुसंधान में हमने पाया कि इसमें 2 अपराधकर्मी मुकेश दास, राजवीर सिंह और फलालू, जिनका उसमें प्राइमा फेसियाई प्रथम दृष्टि क्लियर रोल था, जिन्हें हमें गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके उन्हें आगे भेजा जा रहा है न्यायिक हिरासत में। उनके द्वारा अपना अपराध स्वीकार भी किया गया है एवं उनके द्वारा ये भी बताया गया कि उनके साथ कुछ और लोग भी इसमें संलिप्त थे। मृत्यु का कारण जो मोटिव बोलते हैं वो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो मृतक है उनके द्वारा इनको धमकी दी जा रही थी और इनको भय था कि वो इनको कहीं कुछ क्षति पहुंचा सकते हैं, इस कारण से इन्होंने उसकी मृत्यु। अब बात करते हैं पोटका के 4 गांवों में संचालित अवैध शराब भट्टियां ध्वस्त किए जाने की। क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जारी प्रक्रिया के मद्देनजर जमशेदपुर आबकारी विभाग ने पोटका थाना क्षेत्र के कई स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान अधिकारियों ने करीब 170 लीटर तैयार महुआ शराब एवं 7000 लीटर जावा महुआ बरामद किया। पूर्वी सिंहभूम जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जारी प्रक्रिया के मद्देनजर जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नशीले पदार्थों के अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर के उपायुक्त के निर्देश पर आबकारी अधिकारियों ने पोटका थाना क्षेत्र के भुटकू, रानी कुदल, टांग सराई व दुआर सीनी गांवों में छापेमारी कर महुआ शराब चुलाई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान अधिकारियों ने वहां से करीब 170 लीटर तैयार अवैध महुआ शराब एवं लगभग 7000 किलो जावा महुआ बरामद किया। अधिकारियों ने जावा महुआ को वहीं नष्ट कर दिया। हालांकि इस दौरान उन स्थानों से किसी भट्टी संचालक को नहीं पकड़ा जा सका। आबकारी अधिकारियों ने उनके खिलाफ फरारी का अभियोग दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। आइए बात करते हैं लेखक अंशुमन भगत व अन्य द्वारा CM को पत्र लिखे जाने की। जमशेदपुर के चर्चित लेखक अंशुमन भगत के साथ अन्य साहित्यकारों ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य के नवोदित साहित्यकारों के लिए भी कोई प्रोत्साहन योजना शुरू किए जाने की गुहार लगाई है। उन्होंने पत्र में साहित्यकारों की समस्याओं पर भी ध्यान दिए जाने का आग्रह किया है। जमशेदपुर के चर्चित लेखक अंशुमन भगत के साथ अन्य नवोदित साहित्यकारों सुप्रिया कुमारी, कुमारी छाया व मिथिलेश कौशिक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने नवोदित साहित्यकारों के लिए भी प्रोत्साहन योजना शुरू करने का आग्रह किया है। अंशुमन ने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले लेखकों, खासकर नवोदित साहित्यकारों को कहीं से कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में हर क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन लेखक इससे अछूते हैं। इसका नतीजा यह है कि कई प्रतिभावान लेखक भी पीछे छूट जा रहे हैं। अंशुमन भगत ने बताया कि झारखंड में लेखकों की कमी नहीं, किंतु अन्य राज्यों की भांति प्रोत्साहन नहीं मिलने से
उनमें थोड़ी निराशा है। आइए बात करते हैं बाइक से लेह लद्दाख की यात्रा पर जा रहे शहर के मजहरुल बारी की। टाटा स्टील के सुरक्षा कर्मी एवं एडवेंचरिस्ट मजहरुल बारी आगामी 23 मई से लेह लद्दाख की साहसिक बाइक यात्रा पर जा रहे हैं। इसके तहत वे पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ के नारे के साथ अमृतसर से श्रीनगर होते हुए कुमलिंगला तक पहुंचेंगे और वहां से हिमाचल होते हुए जमशेदपुर वापस लौटेंगे। जमशेदपुर निवासी व टाटा स्टील के सुरक्षा विभाग के कर्मचारी मजहरुल बारी साहसिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही नहीं, वे संकट काल में लोगों की जान बचाने में भी सदैव आगे रहते हैं। जमशेदपुर में नदी किनारे होने वाले छठ व अन्य पर्व त्योहारों के दौरान वे कुशल जीवन रक्षक के रूप में नदी की तेज धारा के बीच मुस्तैद रहते हैं, ताकि नदी में दुर्घटनावश किसी के डूबने की स्थिति में उसके जीवन की रक्षा कर सकें। इसके अतिरिक्त वे साहसिक यात्राओं के भी शौकीन हैं तथा दो बार कश्मीर तक बाइक से जा चुके हैं। स्कूबा डाइविंग हमने शुरू किया है 2008 से शुरू किए हैं और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए 2013 में हम अंडमान गए थे। वहाँ हमने 4 कोर्सेज किए, बेसिक, एडवांस, वीआरपी और रेस्क्यू। उसके बाद हमने टोटल जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक हुआ करते हैं 65 करीब रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं ड्राउनिंग का, जिसमें 50 में रिकवर हमने किए हैं, जो कैसे रिकवर करके उसको बाहर गया। ये जमशेदपुर में 23-22 थाना है, ऐसा कोई थाना नहीं है जहाँ हमारा सेवा नहीं गया। इसके अलावा जमशेदपुर से बाहर भी गया, चाहवासा, रांची, हजारीबाग, सरायकेला, चांडिल, इसमें भी हमको सेवा करने का मौका मिला। ये इन्फॉर्मेशन जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन की तरफ से आता है, नहीं इसमें कोई चार्ज नहीं। हमारा ये हमारा सेवा भाव है, हमने आज तक किसी का एक रुपये नहीं लिया, ना ही किसी का चाय पी। मजहरुल बारी ने इस बार लेह लद्दाख से आगे कुमलिंगला तक जाने की योजना बनाई है, वह भी पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ के नारे के साथ। मजहरुल बारी ने बताया कि वे आगामी 23 मई को बाइक से यात्रा आरंभ करेंगे एवं अमृतसर से जम्मू श्रीनगर होते हुए कुमलिंगला तक जाएंगे, जो समुद्र तल से 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहां से वे हिमाचल प्रदेश होते हुए शहर लौटेंगे, जिसमें उन्हें करीब 5.5 से 6,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी तथा इनमें उन्हें 12 से 13 दिन का समय लगेगा। लद्दाख का प्रोग्राम हमने 2007 में गए थे, 2 साल पहले भी गए थे और अभी 23 मई को भी निकल रहे हैं बाइक से। करीब 5.5-6,000 किलोमीटर का हमारा सफ़र रहेगा। मोटो ये है कि पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ अभियान, ये थीम को लेकर हम चल रहे हैं। हमारा गाड़ी स्टार्ट होगा आपका अमृतसर से जम्मू होते हुए श्रीनगर, कारगिल, जासकर भी जाएंगे, ले जाएंगे और वहाँ जो ले में तो दुनिया का सबसे ऊंचा रास्ता है, पहले खरदुंगला था, अभी खरदुंगला नहीं रहा, अभी कुमलिंगला पास हो जाएगा। इसका हाइट 19,300 फीट लगभग हाइट है, वहाँ हम जाएंगे और वहाँ से हनले और हिमाचल होते हुए स्पीति काजा होते हुए हमारे। ये मौसम किसी ने चुना कि समय में जब हाई माउंटेन के पास से जो दर्रा है वो खुलता है, ताकि हम आराम से ट्रैवल करके निकल जाएंगे और काफ़ी बर्फबारी भी रहता है, एक डबल एडवेंचर भी हो जाता है। और इसमें देखिए कि 24 हाई माउंटेन पासेस जो रोड का उसको टोटल हम कवर करेंगे इसी 12-15 दिन के अंदर। सोलो अकेले, लास्ट ईयर भी हम अकेले ही गए, ये टोटल करीब 12 से 13 दिन हम बाइकिंग में रहेंगे। बात करते हैं बिष्टुपुर के होटल रमादा में शुरू फैशन डिजाइनर संध्या सिंह के लेडीज ड्रेस एग्जीबिशन की। जमशेदपुर के होटल रमाडा में शनिवार को फैशन डिजाइनर संध्या सिंह के लेडीज ड्रेस एग्जीबिशन अच्छे धागे की शुरुआत हुई। इस 2 दिवसीय एग्जीबिशन में दिल्ली की फैशन डिजाइनर संध्या सिंह द्वारा तैयार लेडीज के डिजाइनर ड्रेसेस की प्रदर्शनी सह बिक्री भी की जा रही है। दिल्ली निवासी फैशन डिजाइनर संध्या सिंह के तैयार किए डिजाइनर ड्रेसेस की संभ्रांत महिलाओं में काफी मांग है। यहाँ तक कि उनके तैयार ड्रेसेस बॉलीवुड की कई तारिकाएं भी कैरी करना पसंद करती हैं। जमशेदपुर वासियों की फैशन प्रियता की जानकारी मिलने पर संध्या सिंह ने शहर में अपनी प्रदर्शनी लगाने का निर्णय लिया और होटल रमाडा में शनिवार से उनकी डिजाइनर ड्रेसेस की 2 दिवसीय प्रदर्शनी अच्छे धागे की शुरुआत हुई। डिजाइनर संध्या सिंह ने बताया कि उनकी ड्रेसेस वे खुद डिजाइन करती हैं और उनकी सारी ड्रेसेस डिजाइनर होती हैं जो सिंगल पीस डिज़ाइन की जाती है। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर के लोगों का फैशन सेंस काफ़ी अच्छा है तथा यहाँ के लोग डिज़ाइनर ड्रेसेस पसंद करते हैं,
इसी से वे अपनी ड्रेसेस की प्रदर्शनी लेकर जमशेदपुर पहुंची हैं। आज मैं जमशेदपुर में, मेरा फर्स्ट डे है एग्जीबिशन का। 11 to 9:30 स्टार्ट है आज, 11 to 9:30 इवनिंग, और मैं यहाँ एग्जीबिशन करने आई हूँ। ये मेरी ड्रेसेस जो है मैं खुद की बनाई हुई है, प्योर फैब्रिक है और सब कुछ अपनी खुद की डिजाइनिंग है। ये सेल की भी है, मतलब वन पीस इज वन पीस, नो सेकेंड पीस। और ये मैं यहाँ पर करने आई हूँ ताकि यहाँ पे लोगों को ड्रेसेस का है काफ़ी कुछ, फैशन में आगे हैं, और मैं आई होप कि यहाँ पर लोग पसंद करेंगे इसको, इसलिए मैं आज स्टार्ट की हूँ यहाँ पे। आज और कल दो दिन है हमारे एग्जीबिशन यहाँ। मुंबई में जब करती हूँ तो वहाँ के लोग बहुत लेते हैं मेरे ड्रेसेस को, और वो पसंद करते हैं फैब्रिक को। एवरीथिंग है ये, वेस्टर्न, इंडियन, इंडो वेस्टर्न साड़ीज, लहंगा, गाउन, एवरीथिंग। लेडीज़ की जितनी ड्रेसेस हैं सारी है। मेरी कॉन्टैक्ट नंबर है 9868851378। मेरी ईमेल आईडी है singsandhya1967@gmail.com। मैं एक्चुअली ऑनलाइन पे नहीं देती हूँ क्योंकि वन पीस इज वन पीस और मैं सेकंड नहीं बनाती। आइए बात करते हैं मारवाड़ी युवा मंच की ओर से आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर की। मारवाड़ी युवा मंच की टाटा नगर अचीवर शाखा की ओर से शनिवार को बिष्टुपुर राजस्थान भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ब्रह्मानंद अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने मरीजों की ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन, ECG, स्तन कैंसर आदि बीमारियों की जांच की। मारवाड़ी युवा मंच की टाटानगर अचीवर शाखा ने शनिवार को बिष्टुपुर राजस्थान भवन में निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में मरीजों ने अपनी जाँच कराई। तमूलिया स्थित ब्रह्मानंद अस्पताल के चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियों के 10 सदस्यीय दल ने मरीजों की मधुमेह, रक्तचाप, वजन बढ़ने, ECG, स्तन कैंसर जैसी बीमारियों की जांच कर उन्हें समुचित सलाह भी दिया। इस आयोजन में मंच की अचीवर शाखा के पदाधिकारी व सदस्य भी उपस्थित रहे। मंच के अध्यक्ष रवीश कुमार गुप्ता ने बताया कि मंच ने समाज के ऐसे लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन कराया है जो चाह कर भी ऐसे डॉक्टरों के पास तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन्होंने बताया कि मंच का शिविर में कम से कम 150 मरीज की जांच कराने का लक्ष्य है। यहां पर हम लोगों ने एक दिवसीय निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप करवाया है, जिसमें हमारी कोशिश यही है कि जितने भी समाज के लोग हैं, जो लोगों को डॉक्टरों की जरूरत है, जो वहां तक नहीं पहुँच सकते हैं किसी भी कारणवश, उनको निःशुल्क सेवा दी जाए। जैसे जिन्हें हड्डी की दिक्कत है, औरतों के जिन्हें कार्डियोलॉजी की जरूरत है, जिन्हें ECG करवाना है, टेस्टिंग करवाना है, शुगर हो, बीपी हो, हीमोग्लोबिन हो, उन सब डेंटल की दिक्कत है, उन सब लोगों के लिए हमने यहाँ पर निःशुल्क एक दिवस से यहाँ पर कैंप लगवाया। हम लोगों ने राजस्थान भवन बिष्टुपुर में ये आयोजित किया है और हम लोगों ने ब्रह्मानंद नारायण हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन करके ये आयोजित किया है, जिसमें इन्होंने इनकी 10 लोगों की टीम यहाँ पर आई है। इनके साथ मिलकर हम लोगों ने कोशिश किया कि जितने से जितने लोग हो सके, कम से कम 100 से 150 लोगों को ये हम लोगों ने निःशुल्क सेवा प्रदान करने की मांग। तो ये हमारे शाखा मारवाड़ी में टाटा नगर अचीवर शाखा के। अब बात करते हैं जूड़ी के मुखिया प्रत्याशी अजीत सरदार द्वारा ग्रामीणों से की जा रही अपील की। पोटका प्रखंड की जूड़ी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अजीत सरदार ने कहा है कि वे क्षेत्र के लोगों के समर्थन से मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं। पंचायत का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है व जीतने के बाद वे पंचायत की जर्जर सड़कों व पेयजल की समस्या का समाधान कराएंगे। जमशेदपुर से सटे पोटका प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। वहीं प्रखंड की जुड़ी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अजीत सरदार ने कहा है कि मुखिया बनने पर वे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि जुड़ी पंचायत की सड़क काफी जर्जर हो गई है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। वहीं क्षेत्र में पेयजल की भी समुचित व्यवस्था नहीं है। आम लोगों को कैसे शुद्ध पेयजल मिले, इसकी व्यवस्था वे कराएंगे। इसी प्रकार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास से वंचित लोगों के लिए भी वे कार्य कराएंगे। उन्होंने पंचायत वासियों से एक बार खुद को मौका देने की अपील की। हम देखिए, मेरे जुड़ी पंचायत से मैं मुखिया प्रत्याशी हूँ। मेरा छाप है, अपील छाप, मैं जनता के पास खड़ा हूँ, जनता से अपील कर रहा हूँ मेरे को एक बार जुड़ी पंचायत से मुखिया में हमको भारी मतों से जिताएं। मैं जनता के लिए बहुत सारा काम करने की उम्मीद रख रहा हूं जो आज तक हुआ नहीं है। बहुत सारा काम अभी पेंडिंग पड़ा हुआ, जनता इसमें त्रस्त है,
और जैसे गरीबों का आवास होना चाहिए, आवास से बहुत बहुत से वंचित हैं गरीब, और इसमें पेंशन भी बहुत वंचित है, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दोनों में बहुत सा माने पड़ा हुआ आदमी लोग, घर घर में ये सब है। मैं आशा करता हूँ जो अगर हमको जनता यहाँ से एक बार मौका दे तो मैं बहुत सा काम करके दिखाऊंगा और जनता को खुशहाल बना के रखूँगा, और बहुत सा काम जैसे है जो अपने स्तर से भी करना पड़ता है, जो मुखिया नहीं बनने के बाद भी हम कर रहा हूँ, जैसे हम यहाँ से बहुत सा जैसे ग्राम प्रधान बन के काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ 10 साल से। अगर हमको इस तरह का पावर मिले, यहाँ से मौका मिले, तो मैं जनता को खुशहाल ज़रूर करूँगा। अभी जैसे हमारे पूरे पंचायत में हर गांव में हर गरीब का पीएम आवास नहीं बना है, और ये बहुत ज़रूरी है, गरीबों का घर और पेंशन और रोड रास्ता, जैसे बहुत सारा रास्ता जर्जर है, कीचड़ है, बरसात में पानी जम जाता है, कीचड़ जाते चलने लायक नहीं होता, इसमें बहुत सा जैसे हम अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता से सारा समस्या हमको कलेक्ट हो रहा है। मैं ये अगर वादा करता हूँ जनता से, उम्मीद रखता हूँ हमको वोट दे, और मैं यहाँ से सारा समस्या 5 साल में पूरा करूँगा, और अगर मैं कर नहीं पाता हूँ तो हमको जनता 5 साल के लिए वंचित करे। मैं इसके लिए मैं जनता से अपील करता हूँ, मुझे एक बार जरूर जिताए। औषधे रास्ता घाट किचू है नहीं, ग्रामे मैंने विजया है नहीं, इंदिरा आवास है नहीं, तर पिज्जा पेशन अनेक लोग बाकी आ জলের অনেক সমস্যা আছে, মানে সব দিকের থেকেই কোনো অসুবিধা, বহুত খারাপ, বুড়া একদম হে ইধার সে উধার যেতনা দূর যাই কই দেখনে ইয়ে নেই সব যেতনা হয় না, বহুত খারাপ হ্যাঁ, আনে জানে বহুত দিক্কত আছে, হম লোক রাত ভি আনে সে দিক্কত আছে, দিন মে জানে সে দিক্কত আছে, পুরা গড্ডা হয়ে গিয়া হ্যাঁ, কই দেখনে বালা নেই হ্যাঁ, আর गाँव का परिस्थिति भी ठीक नहीं है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए एसीसी न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।